लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। कह रहा है थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स एड्स अप टू 51। मतलब समझो थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स, बच्चों बात समझिए जरा। देखिए उसका कहने का मतलब ये है कि थ्री कॉन्जिकेटिव का मतलब लगातार आने वाले, कॉन्जिकेटिव का मतलब लगातार आने वाले। बच्चों देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, ये तो आपको पता है भाई, जीरो वन है ना, टू थ्री फोर फाइव, ओके। इसी तरीके से माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो ये सब आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। जनरली जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्लास एट में कि थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो ये जो थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर होते हैं पॉजिटिव ही होते हैं, परेशान ना हो, ठीक है। तो आपको ये नेगेटिव वाले और जीरो इनको नहीं देखना है जल्दी से, मतलब जीरो और नेगेटिव वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस ये सोचो कि कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स ये सारे, इनकी बात कर रहे हैं। कॉन्जिकेटिव मतलब लगातार आने वाले, बात समझो बच्चों। जैसे कि वन के बाद टू आ रहा है, टू के बाद थ्री आ रहा है ना, तो ये तीन लगातार आने वाले इंटीजर हैं। इसी तरीके से टू थ्री फोर, ये लगातार आने वाले इंटीजर हैं। इसी तरीके से फोर फाइव सिक्स, ये लगातार आने वाले, कॉन्जिकेटिव मतलब लगातार आने वाले, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी ने बोला 11 है ना, फिर बोला आपको 13, फिर 16 बोल दिया बच्चों, तो क्या ये कॉन्जिकेटिव इंटीजर है? नो सर, ये लगातार थोड़ी ना आते हैं बच्चों। 11 के बाद तो 12 आना चाहिए था, 12 गायब है, और 13 के बाद 14 और 15 गायब है, ठीक है। तो ये कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स नहीं है। तो याद रखिएगा कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है लगातार आने वाले, कॉपी में नोट लगाएं, ठीक है। कॉन्जिकेटिव का बच्चों मतलब नहीं पता होता है बच्चों को, कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है लगातार आना चाहिए, कंटिन्यूएशन में, लगातार लगातार, ठीक है बच्चों, लगातार मतलब कॉन्टिन्यूसली हो गए, सो लगातार एक के बाद एक है ना, लगातार एक के बाद एक आने वाले, ये फील करने के लिए हम हिंदी में लिख रहे हैं इंटीजर्स, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों। मान लो कि मैंने आपको बोला कि टू एक इंटीजर है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने बोला कि भाई टू एक इंटीजर है बेटा, अब ये बताओ टू के बाद क्या आता है? थ्री, पूरी दुनिया को पता है। थ्री के बाद क्या आता है? फोर। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि टू के बाद थ्री कैसे आता है, तो ये एक अच्छा सवाल होगा, ध्यान से सुनो भाई। आफ्टर टू कौन सा इंटीजर आता है? थ्री। कैसे आया? अगर हम टू में क्या ऐड कर दें? वन। बच्चों चेक करो, अगर हम टू में वन ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट इंटीजर मिल जाएगा। अब हमने आपसे पूछा थ्री के नेक्स्ट, ठीक है, कॉन्जिकेटिव कौन सा इंटीजर होगा, तो आप बोलोगे सर एक काम करो सर फोर होगा। हमने बोला कैसे मिला, आप बोलोगे सर एक काम करो थ्री में वन ऐड कर दो तो सर फोर मिल जाएगा। इसी तरीके से फोर के नेक्स्ट कॉन्जिकेटिव इंटीजर कौन होगा? फोर प्लस वन, यानी कि हमें फाइव मिल जाएगा। अब चेक कर लो टू थ्री फोर फाइव, ये सब कॉन्जिकेटिव है, ठीक। इसी तरीके से बच्चों इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, आपको बस पॉजिटिव इंटीजर देखने हैं, ज्यादा आप टेंशन मत लो, नेगेटिव वाले और जीरो वाला नहीं देखना है, ठीक, उसके बारे में सोचो। कह रहा थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स एड्स अप टू 51, ठीक। थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो उनका सम कितना आता है? 51, ठीक है। या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे सारे इंटीजर्स सर्च करो, एक तरीका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लगा के, सुनो ध्यान से। क्या आपको वो तीनों इंटीजर पता है जिनको ऐड करने पर 50 आता है? सर नहीं पता है। क्या फर्स्ट वाला इंटीजर पता है? नहीं पता है। तो एक काम करो, अगर फर्स्ट वाला पता चल जाए, सोचो अगर फर्स्ट वाला इंटीजर पता चल जाए, जैसे कि हमने आपको बोला था भाई यहाँ पे एक इंटीजर टू ले लो, एग्जांपल दे रहे थे जस्ट, ठीक है। तो टू में वन ऐड करोगे नेक्स्ट वाला आ जाएगा, थ्री में वन ऐड करोगे नेक्स्ट वाला, इसी तरीके से। अगर फर्स्ट इंटीजर नहीं पता है तो एक्स मान लो भाई, फर्स्ट इंटीजर नहीं पता है तो एक्स मान लो, और एक्स में अगर वन ऐड करोगे तो नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा, और जो आया होगा उसमें वन ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, ध्यान से सुनो। तो हमने कहा क्या कि लेट द फर्स्ट इंटीजर बी स्मॉल एक्स, ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से ना बच्चों, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी स्मॉल एक्स, माना कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो स्मॉल एक्स है, देन द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाला, मतलब इसके जस्ट बाद आने वाला नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर विल बी, हाँ भाई नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बेटा कितना होगा बताओ, कैसे निकालोगे? फर्स्ट एक्स है तो नेक्स्ट वाला कैसे? एक्स में वन ऐड कर दो, यस सर, एक्स प्लस वन कर दिया, ये लीजिए ये नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ गया, नेक्स्ट वाला होगा, मतलब फर्स्ट इंटीजर एक्स है, नेक्स्ट वाला एक्स प्लस वन है। अब सुनो इसके नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा, जैसे थ्री में ऐड किया तो थ्री प्लस, जैसे थ्री में हमने वन ऐड किया तो फोर मिल गया, ठीक, उसी तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट इंटीजर एक्स है, एक्स में हमने वन ऐड किया तो सेकंड मिल गया, अब जो सेकंड मिला है ना उसमें फिर से वन ऐड कर दो तो आपको थर्ड कॉन्जिकेटिव इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बच्चों नेक्स्ट हमने लिखा यहां नेक्स्ट सेकंड, ऐसे लिखना चाहिए था ना, नेक्स्ट सेकंड कॉन्जिकेटिव इंटीजर विल बी, फिर हमने लिखा नेक्स्ट थर्ड
कॉन्जिक्यूटिव, नेक्स्ट थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कितना होगा, विल बी, चेक करो ध्यान से, सुनो बच्चों यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से चेक करना है, विल बी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह नहीं है ना। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, नेक्स्ट थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर विल बी, जरा ध्यान देंगे बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, ध्यान से सुनो, जितना पहले आया था, जो इंटीजर पहले था उसमें हम, ये इतना पहले था इसमें फिर से वन ऐड कर दो, एक्स प्लस वन और प्लस वन कर दो, भाई जितना पहले था उसमें प्लस वन और कर दो, ठीक है। अब सुनो, इसको सॉल्व कर लो, इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये क्या है एक्स प्लस वन, और ये ब्रैकेट हटा सकते हो आप, ठीक। और यहाँ क्या लिखा है, ये एक्स प्लस वन है और ये वाला प्लस यहाँ पे कॉपी किया और ये वन, सो एक्स प्लस वन प्लस वन, यानी कि एक्स ऐसे ही रहेगा, वन प्लस वन कितना होता है टू, तो एक्स प्लस टू, चेक करिए। यानी कि बच्चों आपके जो तीन कॉन्जिकेटिव, थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हो गए, थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स एक्स के टर्म्स में कौन कौन से हो गए, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बच्चों कौन कौन से हो गए, हाँ वो हो गए x, नेक्स्ट वाला हो गया x प्लस वन, और x प्लस वन में फिर से वन ऐड किया तो नेक्स्ट वाला हो गया x प्लस टू। ये देखिए कॉमा लगा हुआ है, ध्यान से चेक करो, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, थर्ड, ये थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, नोट करिए बच्चों, नोट करिए फटाफट, मैं रब कर दूंगा या फिर इधर जगह इधर कर लेते हैं ना। अब ध्यान से चेक करो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर एड्स अप टू 51, अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो आंसर कितना आता है 51। इसका मतलब समझो बच्चों, मतलब ध्यान से चेक करो, ये फर्स्ट इंटीजर है, यहाँ कहीं सेकंड इंटीजर होगा और यहाँ कहीं थर्ड इंटीजर होगा, ये कॉन्जिकेटिव इंटीजर है, अगर हम इनका सम कर दें, अगर हम इनको ऐड कर दें तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए 51, सबको ऐड करने पर 51 आना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीजर कितना है x लिखा, सेकेंड इंटीजर कितना है x प्लस वन, और थर्ड इंटीजर कितना है x प्लस टू। ओके, ये फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड जस्ट ऐसे करके आपको दिखाया फील कराने के लिए, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और सबको ऐड करना है, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में प्लस लगाओ, सेकेंड और थर्ड के बीच में प्लस लगाओ और सामने क्या लिख दो ऐड करके 51। ये लीजिए क्या दिक्कत है बच्चों, अब क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, x प्लस, अब देखो ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे, बिल्कुल हटा सकते हो क्योंकि आगे प्लस लगा हुआ है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। सो x प्लस, अगर माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता है ना, अब उसका छोड़ो वो सब, आप धीरे धीरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखोगे। सो प्लस x प्लस वन और प्लस x प्लस टू, ओके बच्चों, इज इक्वल्स टू 51। अब ध्यान दें बच्चों, ये हम एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दें, x प्लस एक्स और ये वाला भी x, इसको पास पास ले आओ, सो x प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, मतलब जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं पास पास लाएंगे, x प्लस एक्स प्लस क्या बचा 1 प्लस 2, चेक कर लो, x प्लस एक्स को पास पास लिख लिया और 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 51, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, x प्लस एक्स, भाई अगर आपके पास एक टॉफी, दो टॉफी, तीन टॉफी रखी हो तो कितनी टॉफी, थ्री टॉफी, उसी तरीके से x प्लस एक्स 3x, क्या दिक्कत है, ठीक है बच्चों। सो मुझे ना थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर इसको रब करना होगा, ओके स्टूडेंट्स, इसको मुझे थोड़ा सा रब करना होगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए, कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, ओके सो नाउ ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स तो हो गया कितना 3x, ओके स्टूडेंट्स, और प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है 3, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 51, कुछ नहीं है बच्चों, चेक करो, x प्लस एक्स हो गया 3x और प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है 3, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या करेंगे, ये वाला 3x इधर ही रहेगा और ये जो प्लस का 3 है राइट में जाके 51 में माइनस हो जाएगा, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, ठीक, ये बच्चों के व्हाट्सएप आते रहते हैं तो इसको मैं ज़रा क्लोज कर देता हूँ, वेरी सॉरी, ठीक, चलो। तो बच्चों ये देखो 51 हमने यहाँ लिखा, ठीक, और ये प्लस उधर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, भाई प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 3 को उधर ट्रांसपोज करोगे आप तो माइनस हो जाएगा, नाउ नेक्स्ट 3x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें बच्चों 51 माइनस 3 कितना होता है 51 में से अगर आप 3 माइनस करोगे कितना आएगा, यहाँ से 1 कैरी लोगे 11 माइनस 3 कितना होता है 8 और यहाँ बचेगा 4, ये लीजिए 48 हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू 48। अब ध्यान दें 3 इंटू एक्स, अब सुनो x में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड कर देगा तो ये हो गया 48 डिवाइडेड बाय 3,
ओके स्टूडेंट्स, नाउ 3 1 3 और 3 1 3 बन जाएगा 3 6 18, करेक्ट। सो एक्स इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, देखिए 3 1 3 बन जाएगा, ठीक 3 6 18 होता है, ठीक 3 6 18। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, ये देखिए बच्चों। सो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 16, बच्चों चेक करो ना 16 3 सा कितना होता है 48 ही तो होता है, तो अगर 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो 16 ही तो आएगा, ठीक है ना। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब उसने हमें पूछा था व्हाट आर दीज इंटीजर्स, ये तीनों इंटीजर कौन कौन है, तो जवाब है चेक करिए बच्चों, फर्स्ट इंटीजर जो था, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट इंटीजर क्या था चेक करो, x था, और x की वैल्यू बच्चों क्या आई है, x की वैल्यू आई है क्या 16, ये देखिए, तो फर्स्ट इंटीजर हो गया हमारा क्या 16। फिर सेकंड इंटीजर बच्चों कितना हो जाएगा, सेकंड इंटीजर क्या था x प्लस 1, वैसे तो आप सेकंड डायरेक्टली निकाल सकते हो, अगर फर्स्ट पता चल गया 16 तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 17, नेक्स्ट वाला क्या होगा 18, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूं। सो x प्लस 1 करना है, x प्लस 1 मतलब x की वैल्यू कितनी है 16, और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, यानी कि सेकंड इंटीजर 17 है, और थर्ड इंटीजर बच्चों कितना होगा, थर्ड इंटीजर हो जाएगा, चेक कर लो डायरेक्ट आप बता सकते हो 17 प्लस 1 18, या फिर यहां से करना चाहते हो तो यहां से कर लो x प्लस 2, ठीक है, थर्ड इंटीजर x प्लस 2 था, x कितना आया है 16, तो x का वैल्यू रखा 16, और साथ में क्या है प्लस 2, 16 प्लस 2 18, यानी कि बच्चों अब हम आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, थ्री इंटीजर्स आर, थ्री इंटीजर शॉर्ट में लिख रहा हूँ INT है ना, आप पूरा लिखना, थ्री इंटीजर्स आर कौन कौन से हैं बच्चों 16, कॉमा 17 एंड व्हाट 18, ओके स्टूडेंट्स, तो थ्री इंटीजर कौन कौन से हैं आपके 16, 17 और 18, ये हैं आपके थ्री इंटीजर्स, करेक्ट। कौन से थ्री इंटीजर हैं, ये कॉन्जिकेटिव थ्री इंटीजर हैं, लगातार आ रहे हैं, चेक कर लो 16, 17, 18, और इनको अगर हम ऐड करें तो आंसर 51 आता है, आइए मैं आपको चेक करा देता हूं, ठीक है, अगर हम 16, 17 और 18 को बच्चों ऐड करें, चेक कर लो 6 प्लस 7, या फिर ऐसे देखो 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 कितना होता है बच्चों 21, तो यहाँ पे आएगा 1, 2 जाएगा यहाँ पर, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5, ये लीजिए ऐड करने पर 51 आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो द इंटीजर्स आर 16, 17 एंड 18, ओके स्टूडेंट्स प्लीज नोट कर लीजिए।